यंग गर्ल्स को जैसे 30 के बाद जो बाहर जा रहे हैं फॉर देयर करियर्स और दे वॉन्ट टू स्टडी एंड दे डोंट वॉन्ट टू प्लान देयर प्रेगनेंसी इमीडिएटली, उन पेशेंट्स को वी आर गिविंग दिस ऑप्शन ऑफ डूइंग एन एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग इज अ पार्ट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एग फ्रीजिंग मतलब हमने एक वुमेन को, फॉर एग्जाम्पल इन सम वुमेन जिनमें कैंसर डायग्नोज हुआ या फिर कोई और प्रॉब्लम के वजह से उनको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी होनी है, जल्दी से जल्दी उनको कोई ट्रीटमेंट होनी है जिसकी वजह से उनका एग्स पे फ़र्क पड़ सकता है, या इवन नाउडेज फॉर एग्जाम्पल यंग गर्ल्स को जैसे 30 के बाद जो बाहर जा रहे हैं फॉर देयर करियर्स और दे वॉन्ट टू स्टडी एंड दे डोंट वॉन्ट टू प्लान देयर प्रेगनेंसी इमीडिएटली, उन पेशेंट्स को वी आर गिविंग दिस ऑप्शन ऑफ डूइंग एन एग फ्रीजिंग। इट इज़ लाइक द पेशेंट कम्स टू अस, वी एवेल्यूएट हर, हम उनको 10 दिन इंजेक्शंस देते हैं और देन वी एडमिट हर इन द हॉस्पिटल, गिव हर अ 10 मिनट्स एनेस्थीजिया एंड उन एग्स को हम बाहर लेते हैं। वी एवेल्यूएट इट देम अंडर द माइक्रोस्कोप एंड देन हम उन एग्स को फ्रीज कर लेते हैं। एज सच देर आर नो मेजर साइड इफेक्ट्स, थोड़ा बहुत वॉमिटिंग नोजिया का ड्यूरिंग द इंजेक्शंस प्रोसेस वही होता है, एंड वंस दीज एग्स आर फ्रोजन दे आर फ्रोजन फॉर इन्फिनिटी। You can plan, for example, आपका एज 30 है, you are planning to go out, study and do your work or career के problem से, you are not planning to get married now, you are planning to get married after 5 years. 5 years के बाद आप plan करोगे pregnancy and if it is not happening, then your eggs we can just thaw them and then आपके husband के साथ हम उनको fertilize करके आपके अंदर transfer कर सकते हैं। In this way, we are trying to save your reproductive potential. द सेम थिंग कैंसर पेशेंट्स में भी यही है, जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ दे के नॉट गेट प्रेगनेंसी इमीडिएटली, तो हम उन पेशेंट्स को हम उनको एग्स बाहर निकाल के हम उनका फ्रीज कर लेते हैं सो दैट दे कैन फिनिश देयर कैंसर ट्रीटमेंट आफ्टर 2 to 3 years। वंस दे फिनिश द ट्रीटमेंट एंड दे आर फ्री ऑफ द डिजीज, हम उन सेम एग्स को, उन्हीं का एग्स को लेके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके ट्रांसफ़र करके उनका अपना बेबी हम दे सकते हैं। In this way, egg freezing is actually a boon to specially to cancer patients. But now with lot of women who are trying in to go abroad or trying to postpone their pregnancy for some reason, they can utilize this facility and try to freeze their eggs. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.